नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे HDFC बैंक होम रेनोवेशन लोन स्कीम के बारे में। HDFC बैंक से होम रेनोवेशन लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या ली जाएगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा और आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पर ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम पे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक से होम रेनोवेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच जो भी है उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर आप विजिट करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज में जैसे जैसे आपको अपनी डिटेल्स पूछेगा आप वैसे वैसे भरते जाइए। इसको बताने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पूछा जाता, जस्ट आपके पर्सनल डिटेल्स लिए जाते हैं। तो अपने पर्सनल डिटेल्स भर के सबमिट कर देंगे तो बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करेगा और आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दिया जाएगा। अदरवाइज दूसरा प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करें और वहाँ पर अपने जो भी आपके रिक्वायरमेंट है वो आप बता सकते हैं। पर्पज़ क्या रहेगा HDFC होम रेनोवेशन लोन का? तो कोई भी आपका एग्जिस्टिंग हाउस है उसमें आप कोई रिपेयर करना चाहते हैं, एक्सटेंशन करना चाहते हैं, कुछ रेनोवेट करना चाहते हैं, टाइल्स नहीं लगाना चाहते हैं, मॉड्यूलर किचन लगाना चाहते हैं या फ्लोरिंग चेंज करना चाहते हैं, पेंट करवाना चाहते हैं, कोई भी आपकी रेनोवेशन या अपग्रेडेशन के रिलेटेड रिक्वायरमेंट है आप इस लोन स्कीम से पूरा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इस लोन स्कीम के लिए? तो दोस्तों, मिनिमम एज फॉर एप्लीकेशन ऑफ HDFC होम रेनोवेशन लोन 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 65 ईयर्स। तो 65 ईयर्स से ज़्यादा ये लोन एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम एट द एज ऑफ 65 आपको ये सारा लोन पे ऑफ करना पड़ेगा, बल्कि आपका जो होम लोन का रिपेमेंट है वो उसी हिसाब से किया जाएगा कि 65 ईयर्स में सारा लोन जो है वो पे ऑफ हो जाएगा। सैलरीड लोग जो हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होगी वही उनकी फाइनल एज रहेगी। नॉन सैलरीड के केस में 65 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हर तरह के रेजिडेंट इंडिविजुअल जो हैं इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो सैलरीड हो या नॉन सैलरीड हो। सैलरीड में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं जहां से आप एक रेगुलर सैलरी लेते हैं, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा नॉन सैलरीड में सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी एटसेट्रा। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल जैसे कि ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है। चाहे आप छोटे से छोटे शॉपकीपर हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं या कोई ऑफिसर हैं या कोई नॉर्मल आप सैलरी लेते हैं, तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। को एप्लीकेंट भी इसमें ऐड किया जाता है। इनकेस अगर आपकी इनकम जो है वो कम है, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो कम बन रही है, आप अपनी एलिजिबिलिटी को एनहेंस करने के लिए को एप्लीकेंट को ऐड कर सकते हैं। को एप्लीकेंट आपके ब्लड रिलेशन में से हो सकता है। उसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी है उसमें ज्वाइंट ओनरशिप है तो उस केस में भी को एप्लीकेंट को ऐड किया जाता है। HDFC बैंक होम रेनोवेशन लोन मैक्सिमम अमाउंट, तो मैक्सिमम अमाउंट जो है वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे और आपकी रिक्वायरमेंट पे। ये तीनों चीज़ें बैंक एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाएगा। इसमें दो कैटेगरीज बनाई गई हैं, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर की, एक न्यू कस्टमर की। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के केस में हम देखेंगे जो ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं HDFC से, उनको अगर होम रेनोवेशन लोन चाहिए तो अगर उनकी अप टू 30 लाख तक की रिक्वायरमेंट है तो उनको पूरा 100% कॉस्ट जो है उनका मिल जाएगा रेनोवेशन के लिए। बट क्लॉज यही है कि उनका दोनों लोन मिला के, रेनोवेशन वाला लोन और होम लोन दोनों को मिला के प्रॉपर्टी के 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस केस में 10% मार्जिन रहेगा। सेकंड केस है 30 लाख 1 to 75 लाख, उस केस में भी आपको पूरा 100% मिल जाएगा। कंडीशन यही है कि आपका रेनोवेशन लोन और होम लोन दोनों को मिला के
प्रॉपर्टी की 80% से ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन टू वैल्यू रेशियो है वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी बैंक को, इसीलिए ये नॉर्म रखे गए हैं। अबव 75 लाख अगर आपका एस्टिमेट बनता है रिपेयर या रेनोवेशन का, उस केस में भी आपको 100% पूरा मिल सकता है विदाउट एनी मार्जिन, बट कंडीशन यही है कि आपका होम लोन और रेनोवेशन लोन दोनों को मिला के एस्टिमेटेड जो वैल्यू है वो 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जो कि HDFC बैंक के द्वारा ऑलरेडी असेस की जा चुकी है। क्योंकि जब भी होम लोन देते हैं या रेनोवेशन लोन देते हैं, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है वो असेस की जाती है बैंक के पैनल वैल्यूअर के द्वारा, और वो जो वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है वो फाइनल मानी जाती है। सेकेंड केस है न्यू कस्टमर के लिए। तो अगर आप न्यू कस्टमर हैं तो उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस है, जैसे कि होम लोन में है वैसे ही इसमें है। अप टू 30 लाख 10% मार्जिन रहेगा, 90% जो है आपको लोन मिल जाएगा। 30 लाख टू 75 लाख 80% तक आपको लोन मिल सकता है। अबव 75 लाख 75% ऑफ द एस्टिमेट। अबव 75 लाख में अगर आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो 75% जितना भी उसका बनता होगा, 75 लाख जो बनेगा उतना आपको मिल जाता है, बाकी का 25% जो है आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है, अमाउंट टू अमाउंट वेरी करता है। उसके बाद में देखा जाएगा क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से इसकी EMI भर पाएंगे। अगर आप एलिजिबल हैं उतना EMI भर सकते हैं तो बैंक आपको लोन दे देगा। मार्जिन जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10 to 25% मिनिमम मार्जिन 10% और मैक्सिमम मार्जिन 25% है इन केस ऑफ होम लोन एंड होम रेनोवेशन लोन। HDFC बैंक होम रेनोवेशन लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन KYC प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है, ये सभी लोन्स में लिया जाता है। KYC एप्लीकेंट का और को एप्लीकेंट दोनों का, KYC में वैलिड एड्रेस प्रूफ और एक ID प्रूफ। पैन कार्ड मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाएगी, तभी बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा और उसी से डिसाइड किया जाएगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारे फैक्टर्स आपके सिबिल पे डिपेंड करते हैं। और उसके बाद में एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों का इनकम प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो कम से कम लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप और लास्ट 2 साल का फॉर्म 16। नॉन सैलरीड के लिए उनका जो इनकम प्रूफ रहेगा वो होगा उनका ITR, जो भी उन्होंने ITR फाइल की है, लास्ट 2 से 3 साल की ITR की कॉपीज भी देनी पड़ेंगी। अलॉन्ग विद दैट बिजनेस का प्रूफ, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के केस में उनकी ITR ही उनका प्रूफ रहेगा। अगर आप ट्रेडर हैं, शॉपकीपर हैं, तो आप अपने बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ भी आप प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट सैलरीड के केस में सैलरी अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की, नॉन सैलरीड के केस में बिजनेस अकाउंट की और पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट। उसके बाद में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, जो कि डिपेंड करते हैं आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो ये होम रेनोवेशन लोन है, इसमें आपको ओरिजिनल टाइटल डीड्स देने होंगे प्रॉपर्टी के, नो एनकम्बरेंसेस सर्टिफिकेट कि इस पे किसी और का कोई चार्ज नहीं है, जो कि लीगल ओपिनियन में क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में एक एस्टिमेट की कॉपी, जो भी आपका आर्किटेक्ट या इंजीनियर होगा वो आपको एस्टिमेट देगा कि इस पे कितना खर्चा होने वाला है और क्या क्या आप लगाने वाले हैं, इसका पूरा एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। और एस्टिमेट की कॉपी आपको बैंक को सबमिट करनी है, उसी एस्टिमेट पे बेस्ड आपको लोन दिया जाएगा। लोन रिपेमेंट टेनर, तो रिपेयर या रेनोवेशन के केस में मैक्सिमम टेनर रहेगा 15 इयर्स। 15 इयर्स में सारा लोन रिपे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एज। अगर आप 60 इयर्स में ले रहे हैं तो 65 मैक्सिमम है, तो आपको 5 ही साल का टाइम मिलेगा। तो ये डिपेंड करेगा आप किस एज में लोन लेते हैं, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 साल से ज्यादा नहीं ले सकते, चाहे आप छोटी एज में भी लेंगे 15 साल के अंदर अंदर सारा लोन रिपे करना पड़ेगा। HDFC होम रेनोवेशन लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपका सिबिल स्कोर 800 या उससे ज्यादा है, उस केस में आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट इज 6.70%, जो कि लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बाकी रेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। फॉर वीमेन अप टू 30 लाख 6.95% to 7.45%, फॉर अदर्स अप टू 30 लाख 7% to 7.50%। रेट दो चीजों पर डिपेंड कर रहे हैं, एक मेल बोरोर्स, फीमेल बोरोअर के जो रेट है वो अलग है, फीमेल को थोड़ा कंसेशन दिया गया है एज कम्पेयर टू मेल बोरोअर्स। उसके अलावा अमाउंट पे भी रेट डिपेंड है, जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा है रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, एक आपके जेंडर पे, दूसरा आपका अमाउंट पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और प्राइमरीली डिपेंड करेगा कि आपका सिबिल रिपोर्ट क्या है, सिबिल स्कोर क्या है, उसी के हिसाब से फाइनल आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दिए जाएंगे। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा, आपकी जो हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा और आपके ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास रहेंगे। इन केस अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो आपकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड है, उस पर एक चार्ज
और क्रिएट कर दिया जाएगा, बस प्रॉपर्टी आपकी वही रहेगी। न्यू कस्टमर के लिए प्रॉपर्टी का इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक रिनोवेशन लोन चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस जो है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मैक्सिमम 3000। तो ये डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पे भी, बट ज्यादा से ज्यादा जो चार्जेस लिए जा रहे हैं दैट इज 3000। तो दोस्तों ये था HDFC बैंक होम रेनोवेशन लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।